तो यहाँ मैं लगाने जा रही हूँ भटूरे के लिए मैदा, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम मैदा ले लिया है, और एक जो ये चमचा मैंने आपको दिखाया है, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सूजी का ले लिया है, और ये जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया है, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से फिर मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। अब मैं दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से सूखा और कहीं से गीला, आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है कि सारी चीज़ें जो भी हमने डाली है वो हर जगह इक्वली हो जाए। इस तरह से आप मिक्स कर लेना, उसके बाद अपनी भाई क्या बोलते हैं आवश्यकता के अनुसार आप इसमें पानी डाल देना, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल देना। पानी बहुत बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि मैदा में पानी कम लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो पतली इतनी होती है, आटे जैसा पानी उसमें नहीं लगता है, तो बहुत। और क्योंकि दही भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ और दही भी गीला है, तो इसमें पानी मतलब ये समझो आपकी बिल्कुल घूंट के हिसाब से लगेगा, गिलास कटोरी के हिसाब से नहीं लगेगा, कि 2-4 घूंट ही पानी बस मुझे लगा था इसको गूंथने के लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और सूजी का जो मैंने डाला है वो आपको अलग सा लगेगा, और सूजी डालने से होता ये है इसमें कि एक तो आटा अच्छे से बाइंड भी कर सकते हो उसको, और बहुत अच्छे से गुद जाता है, हाथों पे चिपकता नहीं है, कुरकुरे से एकदम से भटूरे बनते हैं, बिल्कुल वो सॉफ्ट वाले मुझे पसंद नहीं है, थोड़े करारे करारे से पसंद है। तो अगर आपको भी करारे भटूरे पसंद है तो दिखने में वो वाइट ही रहेंगे, लेकिन टेस्ट उनका एकदम से करारा हो जाएगा। और अब आटा गूंथने के बाद यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर काम अपना तेल में ही करती हूँ, रिफाइंड में यूज़ नहीं करती हूँ। तो तेल को अच्छी तरह लगा के इस पे आटे पे, और फिर मल दूंगी आटे को फिर से सारी जगह, तेल भी मतलब इसमें हो जाए तो हर तरफ से ये चिकना हो जाए, इस तरह से मैं आटे को गूंथ दूंगी। और भाई जो भी ताकत है वो आटे को गूंथने में ही लगती है, भटूरे वटूरे बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की तरह ही बनता है कोई भी बना ले। तो बस इसको अच्छी तरह से गूंथने के बाद अब ये सेट हो चुका है। अब मैं एक कटोरा लूँगी और उसमें इस तरह से इसको सेट करके रख दूँगी, और अभी धूप नहीं है क्योंकि शाम को ही मैंने ये गूंथा था, तो ये इंस्टेंट भटूरे का जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही तुरंत आपको बनाने हो। इसके बाद मैंने ये आटे की जो बाल्टी होती है उसमें ढक करके रख दिया है, और आप भी इसी तरह से रख सकते हो अगर धूप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल भी गर्म हो चुका है। ये हैं 3-4 काली मिर्च, 1-2 दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, लौंग और थोड़ा सा जीरा, ये मैंने छौंक में डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज घिसी हुई मैं इसी कटर में ही काटती हूँ, और हरी मिर्च भी मैंने काट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ हींग डाल दिया है, अच्छी तरह से भून लिया है, मैंने सीधा आपको भून के ही दिखा दिया इसको, मंदी गैस पे मैंने इसको भूना था, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल लाल हो चुके हैं, ये कहीं से भी नहीं जले हैं, ये एकदम लाल है। और जब छोले आपको मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। और साइड में मैंने ये प्याज सलाद के लिए काट लिए इतने खड़े खड़े, नमक और सिरका डाल दिया इन प्याज में, और अब यहाँ पे मैंने धनिया, लाल मिर्च और हल्दी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं इन वाले छोले में हल्दी कभी नहीं डालती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें चाट मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें चना मसाला डाल दिया था, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने भून लिया है। सिम गैस पे ही आपको ये सब करना है। इसके बाद आप इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर के बाद इसमें नमक डाल देना है, और आज नमक का मैंने थोड़ा सा चेंज किया था कि आधा मैंने ये वाला नमक डाला था और आधा सेंधा नमक मैंने डाला था। यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च थोड़ी सी। तो ये सब मसाले आप डाल के बना सकते हो, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और यहाँ पर टमाटर मैं चेक कर रही थी, लेकिन अभी मेरे टमाटर हुए नहीं थे तो वापस से बस मैंने उसको ढक दिया था। अब फिर से मैं चेक करने के लिए आ चुकी थी लेकिन वो अभी भी नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगने का खतरा हो रहा था, तो मैंने इसमें 1 घूंट पानी डाल दिया था इसमें इस टाइम पे, और बिल्कुल सिम पे कर दिया था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे टमाटर भी हो चुके थे, मसाला मतलब भून के मेरा एकदम से रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसमें छोले जो मैंने कुकर में साइड पे रखे हुए हैं वो उठा लूँगी, और मैं इनके अंदर ये छोले मिक्स कर दूंगी, और वो बहुत गर्म था वो उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये टावल लिया उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये छोले मिक्स कर दूंगी, और छोले जब भी मैं भटूरे के साथ बनाती हूँ तो इसमें चना भी मिक्स करती हूँ, छोले ज़्यादा रखती हूँ लेकिन चने थोड़े से मैं ज़रूर डालती हूँ, अपने आप ही ये काले हो जाते हैं, और भटूरे के साथ काले रंग के छोले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ ये बन के हो चुके हैं रेडी, अब बना लेते हैं भटूरे।
सबसे पहले चकले को मैंने चिकना कर लिया है, और फिर आप लोई ले सकते हो अपनी अकॉर्डिंग के, भाई आपको किस साइज़ का बनाना है। और वो जो मेरा फ्राई पैन है वो थोड़ा छोटा ही है, इतना बड़ा है नहीं, और कढ़ाई में फिर तेल ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि कढ़ाई मेरी जो है गहरी है, उसमें फिर तेल भी उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने बेल लिया है और बहुत आसानी से बिल जाते हैं ये, और सूजी डालने का बस यही कारण है। अब इस तरह से आप हाथ से इसको बढ़ा सकते हो और फिर इसको छोड़ सकते हो एक किनारे से पकड़ के, और फिर इसमें आराम से बहुत ध्यान से आपको छोड़ देना है। और गैस को मैंने एकदम से सिम कर दिया था, बहुत तेज़ गैस पे नहीं डाला है, तेल बहुत गर्म है लेकिन गैस सिम है। पहले तेल को गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने गैस को सिम पे किया था। और कुछ लोगों को लाल लाल रंग के पसंद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सफ़ेद वाले ही खाए जाते हैं, और आपको पता है मार्केट में भी वाइट ही मिलते हैं। तो अब इसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो सबसे पहले तो मैं ये कूलर सरका देती हूँ साइड में, क्योंकि कूलर सामने कर देते हैं बैठ के सोते टाइम, तो इसमें पानी भरा है इसलिए भाई मेरी ताकत लग रही है। इसके बाद ड्यूटी से आने के बाद ये यहीं पे इधर उधर कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं, शूज़ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो वही सब मैं उठा रही हूँ। और इसके बाद मैं लग गई थी बेडशीट को साफ़ करने के लिए, पोछा झाड़ू ये सब लेट हो जाता है, लेकिन बेडशीट मुझे तुरंत बिछानी पड़ती है सुबह ही, जब तक ये अपना नहाने धोने का काम निपटाते हैं तब तक, क्योंकि उसके तुरंत बाद ये सो जाते हैं। ये आपको पता ही है मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं कि इनकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो इसके बाद ये सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को बिछा लूँगी, पहले मैं दूसरी तरफ से बिछाऊँगी, और पंखा नहीं चल रहा है एडिटिंग करते टाइम, इसलिए गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका है, सांस भी चढ़ चुके हैं, इसी वजह से आवाज़ भी थोड़ी अजीब आ रही है, और सर में दर्द भी है आज। तो यहाँ पे ये मैं बेडशीट बिछा लूँगी, और इस ये बोलते हैं कि इस तरफ ज़रूर लटकाया कर, पीछे की साइड चाहे दबा या ना दबा, इस साइड ज़रूर दबाया कर। वैसे ये बेडशीट काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिरहाने की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, और इन्हें लगता है इधर होनी चाहिए, वरना कूलर से ये उड़ जाती है, कहते हैं कि ये उड़ के और अपने आप निकल जाती है अगर तो थोड़ा थोड़ा दबाती है। तो बस यहाँ पे ये मैं पिल्लो लगा दूंगी, और ये निश्चय के सारे फेवरेट छोटे छोटे पिल्लो हैं, ये जब हुआ था जो मैं हाथ में ले रही हूँ ये तब का पिल्लो है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये कपड़े लेके बैठ चुकी थी, इसके थोड़ी देर बाद का है ये, तो यहाँ पे मैं ये कपड़े लेके बैठ चुकी थी जो मुझे तय बनाने थे। अब यहाँ मैं ये आपको अपने सूट दिखा रही हूँ जो मैंने पानी में से ही निकाले थे, ये नया सूट मैंने सिला है, और अपने सूट का ये एक ही नंबर ही नहीं लगता। ये पूरा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जिस दिन पहनूंगी उसी दिन दिखा दूंगी, अभी तो शायद नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि ये लाइनिंग का है। और इसके बाद है एक ये ग्रे वाला, तो इनकी चुन्नी और इनके बॉटम मैंने कैसे बनाए हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये सब करते करते मेरा और इनका किसी बात पे झगड़ा हो गया था, छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी जो आपको आगे की वीडियो में दिख जाएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी बात को दिल से लगा लेती हूँ और फिर मैं बोलती नहीं हूँ सारा सारा दिन। बात लड़ाई की हो तो भी देखा जाए, बात थी क्या कि मुझे कई दिन से मार्केट जाना है, मैं काफ़ी बार मतलब हमारी बात हो चुकी है, तो ये बोल देते हैं ठीक है तू चली जा, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी लगता है ठीक है भाई इन्हें सोना है। फिर आज ये बात थी कि मैंने बोला चलो ठीक है अब मैं जा रही हूँ काम वाम करने के बाद, तो कह रहे हैं कि नहीं धूप में नहीं जाएगी, तो भाई धूप में कैसे बंद करवा सकती हूँ, वो तो रहेगी ही रहेगी, तो कह रहे हैं कि नहीं या तो सुबह सुबह जाया कर। सुबह सुबह कौन सी मार्केट खुलती है? जोर से बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 30 अगस्त, और सुबह का टाइम अभी हो चुका है, निश्चय भी स्कूल नहीं गया है, इसको रेडी भी मैंने नहीं किया है, तो बस अभी अभी आज थी अमावस्या, तो मैं तो नहा चुकी हूँ, नहा धो के बस आपके सामने बैठ गई हूँ, रेडी हुई नहीं हूँ क्योंकि अभी बस मैं रोटी दे के आई हूँ, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे ना शुरू दिन से ही मैंने कभी नहीं देखा कि अमावस्या के दिन खीर बन रही है, पूरी बन रही है, या ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी यहाँ। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो गांव में जो एक हरियाणवी में वो उसको बोला जाता है ओद्दा, अगर मैं आपको बताऊँ तो उसको बोला जाएगा दर्जा, तो गांव में जो इनका नाता है ना, जो दर्जा है वो इस कुनबे का, इस परिवार का तो सबसे ऊंचा है, हमारे गांव में गुरु बोला जाता है इनको, सबको ही गुरु जी बोला जाता है, कोई जो बाहर के लोग होते हैं ना वो इसको भी गुरु जी कह के बोल देते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु जी कह के बोला जाता है जो हमारी फैमिली के होते हैं, तो इसलिए ना इनके यहाँ कोई खाता वाता नहीं है क्योंकि इनको सबसे बड़ा माना जाता है, यही कारण है कि हम निकाल के भी किसी को नहीं दे के आ सकते, देना तो गाय को ही होता है। अगर मेरा मन करता है तो मैं कभी कभी कभार खाने के लिए बना लेती हूँ, थोड़ी सी पहले गाय को निकाल के दे आती हूँ, दूध बिस्तित खाए हैं अभी इसने, दुधाने के बाद पता नहीं क्यों जो जिस टाइम मैं इसको तैयार करती हूँ कपड़े पहनाती हूँ ना उस टाइम इसको बहुत बातें याद आती हैं, बहुत बातें याद आती हैं, नहाते टाइम भी खूब बातें याद आती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लग जाएगा,
कहीं स्कूल की बात करेगा, कहीं कोई बात करेगा, कहीं कोई बात करेगा, शुरू होता है क्या है बेटा ये, ऐसे ही लगा रहेगा। और फिर नहाने के बाद कपड़े पहनाते टाइम लगा रहेगा, कभी कुछ याद आएगा इसको, कभी कोई बात याद आएगी। छोले भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसमें ना मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है, अब भी शायद आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी वॉल्यूम उन्होंने कम कर रखा है। तो हमारे पड़ोस में हर अमावस्या पे रामायण होती है, तो उस रामायण की आवाज़ जो है गूंजती रहती है, आपको पता है, फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है और मेरी आवाज़ सुन नहीं पाते आप अगर मैं इस तरह से बोलूँगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो उन्होंने आवाज़ कम कर रखी थी, रात भर से बिल्कुल कम कर रखी थी, तो इस वजह से ना मुझे लगा चलो अभी मैं सुबह सुबह आपको बता देती हूँ, निश्चय को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ये अभी कवर ववर मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया है, ये रखा है निश्चय का दुद्दू, दुद्दू रखा है बेटा उसमें, कहाँ गया, अरे छाला पी लिया छाला। बाय बाय। अब एक निश्चय की बात सुन लो आप, अभी निश्चय की है ना पिटाई करती, किसी ने मार दिया निश्चय को, निश्चय बताएगा क्या हुआ बेटे, क्या चीज माला चल रहा था मेरे पास, फिर उसने मार दिया, कैसे मारा मुंह से बाहर निकालो बताओ, मारा उसने। तो मैं बताती हूँ बात क्या है, ये भाग के आ रहा था बाहर से और गेट के पास ये खड़ा था, तो कह रहा है कि मम्मा मैं तो है ना चुपचाप खड़ा था और गेट आया और खुद चल के धीले धीले ऐसे चल चल के गेट आया और लाके मिले फट मार दिया। तो भाई निश्चय नहीं चला, हमारा गेट चलने लग गया है, ये नहीं कह रहा मम्मा मैंने टक्कर मार दी उसमें जाके। कैसे चल के आया गेट एक बार फिर से बता दो इनको, ऐसे निशु सच में मार दिया, निशान हो गया, कहाँ पे मारा बता दो एक बार सबको, मैं तो मजाक कर रही थी कहीं भी नहीं होता, एक बार फिर से बताओ।